ग्रिड फेल हो गया है कि पता, वो ज़्यादा पावर खींचती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, इतना रिजिड हमने उस पर इंक्वायरी करने के लिए। इसे संयोग ही कहें कि जब देश के 14 राज्य अंधेरे में डूबे थे, उस समय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे का राजनीतिक करियर रोशन हो रहा था। गृह मंत्री पी चिदंबरम की जगह नए गृह मंत्री बने हैं 71 साल के सुशील कुमार शिंदे। इसे लोकतंत्र का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में एक मामूली सब इंस्पेक्टर से अपना करियर शुरू करने वाले शिंदे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में गृह मंत्रालय जैसा अहम ओहदा संभाल रहे हैं। शिंदे से पहले गृह मंत्रालय का कामकाज पी चिदंबरम संभाल रहे थे। चिदंबरम की गिनती मनमोहन मंत्रिमंडल के काबिल मंत्रियों में होती रही है, जाहिर है शिंदे की तुलना पी चिदंबरम से की जाएगी। 2008 में जब चिदंबरम ने शिवराज पाटिल से गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला था, उस समय देश की आंतरिक सुरक्षा सवालों के घेरे में थी। 26/11 मुंबई हमलों के बाद देश में असुरक्षा का माहौल था। गृह मंत्री बनने के साथ ही चिदंबरम स्थिति में सुधार लाए। सवाल उठता है कि क्या सुशील कुमार शिंदे चिदंबरम से बेहतर गृह मंत्री साबित होंगे? सारे जितने एजेंसीज थे जिनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो रॉ और जो स्टेट पुलिस एजेंसीज, उन सब में कंफ्यूजन था। वित्त जब चिदंबरम गृह मंत्री बने तब उनकी पहली जो अचीवमेंट ये है कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन स्थापित किया, हर रोज सवेरे की मीटिंग स्थापित की। दूसरी उनकी जो है, उन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया कि देश को एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड होना चाहिए जिसमें सारे राज्य अपनी इंटेलिजेंस शेयर कर पाए। जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, इस दरमियान कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। हाँ, नक्सली घटनाएं बड़ी हैं और नक्सली घटनाओं को टैकल करने में थोड़ी तत्परता उन्होंने दिखाई है। सुशील कुमार शिंदे को एक सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ समझा जाता है। अपनी शालीनता के लिए जाने जाने वाले शिंदे महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे हैं। देश के कृषि मंत्री शरद पवार से प्रभावित होकर शिंदे ने 1971 में पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। 1974 में सुशील कुमार शिंदे पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे। उसी साल उन्हें सरकार में जूनियर मंत्री का पद मिला। शिंदे का सियासी सफर परवान चढ़ा और लगातार 5 बार विधानसभा के लिए चुने गए। अपने जीवन की शुरुआत सुशील कुमार शिंदे ने एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के तहत की। वार्ड बॉय से लेके कोर्ट में पट्टेदार, यानी जो आवाज़ लगाता है वो, उसके बाद एग्जाम देके सब इंस्पेक्टर बने और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। सूबे से निकलकर शिंदे की अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हुई। 1992 में सुशील कुमार शिंदे राज्यसभा के लिए चुने गए। शिंदे के राजनीतिक करियर में एक नया मोड़ आया 1999 में। अमेठी से सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी और उनके चुनाव प्रचार का जिम्मा था शिंदे के पास। माना जाता है कि सुशील कुमार शिंदे उसी दौरान सोनिया गांधी के करीब आए। 2002 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस के सामने ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो एनडीए के उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत को चुनौती दे सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नजर में शिंदे से बेहतर उम्मीदवार कोई और नहीं था। सुशील कुमार शिंदे उपराष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं जीत पाए, फिर भी गांधी परिवार के चहेते बने रहे। शिंदे के लिए अब समय आ चुका था सक्रिय राजनीति से निकलकर राजभवन में बैठने का। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया। शिंदे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। 2006 में शिंदे की एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी हुई और उन्हें मनमोहन मंत्रिमंडल में जगह मिली। ऊर्जा मंत्री के रूप में शिंदे का कामकाज साधारण ही माना जाता है। देखना होगा कि गृह मंत्री के रूप में शिंदे कोई छाप छोड़ पाते हैं या नहीं। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन एक अहम मसला उनके सामने है। आंतरिक सुरक्षा एक दूसरा मसला उनके सामने है।
राज्यों के और लगातार केंद्र के साथ जो टकराव हो रहे हैं उन्हें भी गृह मंत्रालय को ही देखना पड़ेगा।